राजेंद्र कुमार तिवारी को मुख्य सचिव बनाया गया है। 5 माह 13 दिन बाद नियमित मुख्य सचिव। 1985 बैच के आईएएस हैं आर के तिवारी, कार्यवाहक मुख्य सचिव थे आर के तिवारी। और अब जो खबर लखनऊ से आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर, अभी तक कार्यवाहक मुख्य सचिव थे आर के तिवारी, राजेंद्र कुमार तिवारी को मुख्य सचिव बनाया गया। रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी हरेंद्र, पहले कार्यवाहक थे, अब पूर्ण रूप से मुख्य सचिव बनाए गए। बिल्कुल पंकज, देखिए नियुक्ति विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किया गया और ये आदेश जो है पूर्णकालिक नियुक्ति को लेके है। अब आर के तिवारी उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के तौर पर उनको तैनाती दी गई है। 31 अगस्त को आर के तिवारी को कार्यवाहक मुख्य सचिव का पदभार दिया गया था। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी और अब तक कई महत्वपूर्ण पदों पर ये रह चुके हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त एपीसी के तौर पर रहे, अलग अलग जिलों में अपने शुरुआती जो कार्यकाल के दौर में जिलाधिकारी रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं और इसके अलावा तमाम जो महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे वो उनके अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कार्यवाहक मुख्य सचिव के तौर पर उनको जिम्मेदारी दी गई थी। जब अनुपचंद पांडे सेवानिवृत्त किया गया था 31 अगस्त 2019 को, उसके बाद कार्यवाह के तौर पर पदभार संभाल रहे थे। अब चूंकि सीनियोरिटी के हिसाब से अगर वरिष्ठता के क्रम में देखा जाए तो चूंकि 1985 बैच का आईएएस अधिकारी है तो जाहिर सी बात है अब नियुक्ति विभाग की तरफ से एक पूर्णकालिक आदेश जारी किया गया और मुख्य सचिव के तौर पर इनको तैनाती दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र आपका इस जानकारी के लिए।